कुछ जो सिस्टम है इस तरीके का है, एक और मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। जस्ट मैं सारा नाश्ता एंड लंच की प्रिपरेशन कर आई हूँ। हनी उठ चुके हैं क्योंकि आज हमारे फिर से जाना है काम से। गोलू ने स्कूल ड्रॉप कर दिया है। रीज़न क्योंकि कल दिन में गोलू बहुत ज़्यादा थका हुआ था और दूसरी चीज़ रात को बहुत लेट सोया। तो कहीं ना कहीं फिर ये था कि भाई गोलू को आज की छुट्टी तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इफ़ गोलू बीमार पड़ गया तो कम से कम 8 दिन की छुट्टी से पहले नहीं उठेगा। तो गाइस बस मैं अभी रेडी होकर जहाँ मुझे जाना है मैं फटाफट से निकलती हूँ वहाँ के लिए। नाश्ता रेडी कर दिया है मैंने। लंच तो ये है कि मैं लंच आराम से 10 बजे तक भी आई तो इवन मैं लंच अपना आराम से खींच दूँगी। तो गाइस बस मैं होती हूँ रेडी। अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 5। बीच का कुछ भी पार्ट शूट नहीं करा, रीज़न कि हमें कुछ भी ना डिस्क्लोज नहीं करना है कि अपना गेटअप पहले जो हुआ डिस्क्लोज तो हुआ, लेकिन अब क्या डिस्क्लोज, क्या हमारा गेटअप रहा, क्या हम कर रहे हैं, हमने कुछ भी शूट नहीं करा। तो गाइज अभी मैं हो रही हूँ वापस और कुछ जो सिस्टम है इस तरीके का है, एक आध घंटा हम घर में नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा बहुत घर का देखूंगी, फिर उसके बाद वापस से, जहाँ तक है 50% चांसेस हैं कि मुझे वापस से जाना होगा शूटिंग एरिया पे, और शायद वेन्यू शायद चेंज होगा, मे बी येस और मे बी नॉट। तो बस मैं इस टाइम भाभी के साथ निकल रही हूँ यहाँ से। सो गाइस फाइनली एट होम। दीदी खोलना, मैं चाय ले आई हूँ। एंड गोलू भी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इसे कुंभकर्ण को सोते हुए पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। रात मैंने ना इसको डांट के सुलाया, 1:30 बजे आराम से डोला, पूरे दिन शूट हुआ कल, एंड उसके बाद 1:30 बजे तक जो है इस तरह आराम से, ये पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे ये नहीं पता, अपने ताई के कमरे में बैठे टीवी देख रहा था, दोनों खेल रहे थे, आई डोंट नो। तो फिर मैंने इसे सुलाया जान पूछ के कि भैया तुम थके हुए हो। तो गाइस ये सुबह की चाय मैं आप पी रही हूँ, हालांकि एक चाय मैं पी चुकी, इतनी सी पीते हैं, हाँ है ना। तो मैं अभी चाय पीती हूँ, सामने ना कमरा बहुत फैल रहा है, लेकिन तब भी ना उसे करंट वाले सो गाइस अभी बज रहे हैं, पीछे नहीं है बेटा, उधर वाले रूम में है। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। मैंने लंच नहीं करा है और नहीं लंच करने का भी कर रहा है मेरा मन, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँ यार, सिर में कहीं ना कहीं दर्द बहुत तेज़ है, तेज़ जाती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाई रात। आप जो है 1:30 से 2 बजे सो रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे थे, कहाँ से नींद पूरी हो जाएगी। तो मैं आप थोड़ी देर सोती हूँ, बस गोलू को ब्लैंकेट लाने भेजा है मैंने, लाओ थोड़ी देर राधा कृष्ण लगा दो बस थोड़ी देर। ये कौन सी बात है, नहाएगा नहीं तू है, कब नहाएगा, ना क्या हो जाओ, गजब बेइज्जती है, थका तू दिन भर, तो तू सोया है, तू 1:30 बजे सो के उठा, अभी तू ना आया है, थक रहा है, जाओ जाके नहाओ, कपड़े रखे हैं वहाँ पे, वो वाले कपड़े रखे हैं, और बाकी जो है कपड़े अंदर से ले लेना, जाओ और इसमें लगा दो, वो लगा दो सीधे राधा कृष्ण, चलो। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के, कुछ नहीं शाम के 6 बज रहे हैं, जस्ट सोकर उठी हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, कुछ खाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फ़ोन भी आया था क्योंकि
राजमा चावल बनाए थे, बस मैं नहाकर और भाई सीधे सो गई थी। राजमा चावल खाती हूँ और साथ साथ चाय भी बने रखती हूँ, क्योंकि सिर में ज़्यादा सो लेती हूँ तो सिर कहीं ना कहीं भारी हो जाता। शिट, तो गाइस मैस हैपनिंग, मैंने रूह अफ़ज़ा का दूध डाल दिया। माय गॉड, ये दोनों ही एक से क्यों लग रहे हैं मेरे को यार। अरे ये तो दोनों एक से हैं। अबे नहीं फैक्टर, थैंक गॉड, बड़ा गर्क हो जाता। मेरे राजमा जो चावल हैं, राजमा चावल जो है गर्म हो चुके हैं, साथ में मैं ले आई हूँ अचार। और गाइस मेरे को ना ये, मैं जो हूँ डायरेक्ट जो मेन बॉक्स है ना उससे निकालती हूँ। क्यों निकालती हूँ? क्योंकि इसमें तेल होता है, मसाला अच्छे से होता है, वहाँ से ही निकाल के निकल आती हूँ। एक कटोरी मैं करके रख लेती हूँ, वो मैं 2-3 दिन आराम से चलाती हूँ। मम्मी कर रही हैं फ़ोन पर अभी किसी से बात आराम से, और जो है गोलू गया हुआ है ट्यूशन। तो गाइज मैं चाय भी रख के आ गई हूँ, राजमा चावल मैंने गर्म कर लिया, अब मैं आराम से राजमा चावल खाऊंगी और चाय। अरे होए होए जी सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10:15, और पता आज नींद से आ जा रही है। हाँ मुझे भी नींद आ रही है, 12 घंटे हो गए। हाँ मुझे तो नींद से आ रही है। अभी बस हम लोग डिनर करेंगे और फिर उसके बाद जो है, पता है आज का तो ना मिनी ब्लॉग भी नहीं पड़ा, तो बस मैं डिनर करूँगी, चाय के साथ पराठे खाऊँगी, बाकी कुछ खाने का मन नहीं है। और फिर उसके बाद मिनी ब्लॉग एडिट करूँगी, देन उसके बाद जो है रील वगैरह एडिट, वो सब चलता रहेगा प्रोसेस। आज जान नहीं है शरीर में, आज तो शरीर ऐसा रहा बेचैन। सो गाइस अभी जो है बज रहे हैं 10, और गोलू के जो कपड़े हैं, गोलू के जो शर्ट है, वो अभी मैं करती हूँ प्रेस। कल गोलू जाएगा फाइनली स्कूल। हैंगर लेके आऊँ, हैंगर नहीं है। गोलू कल ब्रेकफास्ट में जावे रख दूँ। हैंगर लेके आऊँ, हैंगर नहीं है। गोलू कल ब्रेकफास्ट में जावे रख दूँ। सो गाइस गोलू की जो शर्ट है वो हो चुकी है प्रेस, और इसकी पैंट किधर है नई वाली। चलो अभी के लिए
मेरा डिनर आ चुका है और गोलू जो है गोलू खा रहा है अपना पाव भाजी। तो गाइज अभी मैं डिनर कर लूँ एंड डिनर करने के बाद मिनी ब्लॉग अपलोड करना है क्योंकि एडिट भी नहीं हुआ है आज। तो यार सारा दिन ऐसे बीत गया, नींद आ ही रही है, थोड़ा सा एडिट करके तो सोना ही पड़ेगा सब चीज़ें। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट। गोलू अभी भी टीवी देख रहा है, गोलू का टीवी देखने से बिल्कुल भी मन नहीं भरता। और गोलू 2 दिन स्कूल भी नहीं गया और उसका वर्क आ चुका है व्हाट्सएप में, पर नहीं भैया पढ़ेगा तो इतना पढ़ेगा और नहीं पढ़ना किसी चीज़ तो वो जाता है पढ़ना ही नहीं आज। तो भाई साहब 23 पेजेस भी हैं, मैं भी कहीं ना कहीं कह रही कि कल नोटबुक लिया ना मैं वर्क उतार दूँगी। तो गाइज हनी आ चुके हैं एंड सामने मैंने ना इंग्लिश में मैं सारा उतार दूँगी, तुम्हारी और मेरी राइटिंग में ना डबल अंतर आएगा। तुम बहुत स्लो उतारोगे, मैं फास्ट उतारूँगी। तुम 1 घंटे में उतारोगे, मैं 1.5 घंटे में उतार के पूरा वो दे दूँगी। तो गाइज कल गोलू स्कूल जाएगा वापस से, 2 दिन की गोलू की छुट्टी होगी गोलू। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, गोलू स्कूल की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं माना जाता, हमें ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। तो गाइज अभी बस हनी खाना खा ले और आज का ब्लॉग मैं बहुत जल्दी एंड करूँगी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है आज। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11 एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज। टिल दैन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स। और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो करो। तो गाइज कल मुझे काम है, फिर से काम है, मुझे एक जगह और जाना है। मे बी कल जाऊँ या फिर परसों जाऊँ, आई होप कल जाऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल दैन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड Keep supporting Naina Agarwal Vlogs. Bye-bye.